अगर सेम एकेडमिक कैलेंडर होने वाला है तो भाई लोग बहुत खतरनाक होगा तुम लोग का सेमेस्टर और बहुत छोटा होने वाला है। चीन टपाक डम डम। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस जैसे कि आप सभी जान सकते हैं, आज हम लोग का सैटरडे और सैटरडे को मात्र हम लोग का दो क्लासेस होता है, मतलब कि एक कम्बाइंड लैब होता है जो कि दो पीरियड तक चलता है, तो 10:05 तक वही चलता है और सुबह में ही है, पता नहीं क्यों सुबह में ही है। जी मेरी मर्जी, अनवर भाई लंच के बाद रख देते तो आराम से जाते। खैर सुबह में भी है तो भी ठीक है, आज जाएंगे और तुरंत करके आ जाएंगे, फिर दिन भर अपना फ्री रहेंगे, दिन भर थोड़ा काम कर लेंगे जो भी अपना है, एडिटिंग वगैरह और फिर काफ़ी वीडियोज हो गए उन सब में से शॉर्ट्स निकालना, ये सब कर लेंगे और देखेंगे क्या करना है, और भी कोई काम मिलेगा तो कर ही लेंगे। और अभी तो हम लोग चलते हैं पहले नाश्ता करने, नाश्ता कर लेते दोस्तों फिर चलते हैं उधर। आज वैसे तैयारी है तो आज ये भी अच्छी बात है, सैटरडे और वेडनेसडे दो ही दिन अच्छा रहता है। और अभी तो हम लोग चलते हैं क्लासेस करने और बस दो क्लासेस करके फटाक से आ जाते हैं बस। हाँ हो सकता है एडमिन जाना पड़े, थोड़ा बहुत काम है तो उसको भी देखते हैं तो चल के आ जाएंगे, वैसे भी दिन भर फ्री ही रहेंगे तो करके आ ही जाएंगे। और अभी चलते हैं हम लोग नीचे। तो भाई लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं कॉलेज और आज का भी मौसम ठीक ही है, मतलब धूप जब तक नहीं उग रहा है तब तक बहुत बढ़िया है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं खेतों में पानी लगा, ये वैसे BSc एग्रीकल्चर वालों का खेत है तो इधर उन्हीं लोग का चलता है जो भी होता है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग चल रहे हैं यहाँ कॉलेज अभी चल रहे हैं और यहाँ पे B5 देख रहे हैं, अपना B5 बनते जा रहा है। और यहाँ आज का नाश्ता अपना पीनट बटर दूध कॉर्नफ्लैक्स थोड़ा सा ले लिए, कॉर्नफ्लैक्स तो बस थोड़ा सा लिए, पीनट बटर क्योंकि ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, सुबह में ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। बाकी इस रास्ते आज चल रहे हैं हम लोग क्योंकि अब थोड़ा बारिश नहीं हो रहा तो इस रास्ते भी चल सकते हैं और थोड़ा कीचड़ वगैरह लगा था। तो अब फाइनली हम लोग का क्लासेस वगैरह ख़त्म हो चुके हैं तो हम लोग चल रहे हैं वापस हॉस्टल, क्योंकि ज़्यादा क्लासेस थे ही नहीं और आज क्लास भी अपना B5 में था तो यहीं से तुरंत चले आए। और अब हम लोग चल रहे हैं ऊपर क्योंकि अभी खाने का टाइम नहीं हुआ, अभी थोड़ा देर बाद आएंगे वापस खाने, अभी तो चलते हैं ऊपर दोस्तों। तो भाई लोग फाइनली हम लोग क्लासेस वगैरह करके आ चुके हैं, बाकी आज तो अपने ज़्यादा क्लासेस थे नहीं, मात्र दो क्लासेस था, दो क्लास कह लो या एक लैब कह लो, एक ही लैब था जो दो क्लासेस का कंबाइन था। तो लैब में लैब नहीं क्लास ही चला, उसमें भी लैब में पढ़ाया गया, बाकी हो गया अपना जितना होना था हो गया, अब ज़्यादा क्लासेस थे नहीं। सैटरडे को बस दो ही क्लास है पता नहीं क्यों, बाकी दिन एडजस्ट करा के सैटरडे छुट्टी रख देते। खैर मैं क्या ही कह सकता हूँ, बाकी हो गया अपने जितना काम करना था, उधर का बाहर का सारा काम हो चुका है, अब हम लोग दिन भर पड़े रहेंगे हॉस्टल में। अभी तो अपना वीडियो एडिट भी हम कर लिए हैं और अब कोई काम नहीं है, अब वीडियो एडिटिंग भी कर लिए हैं, अब बस नीचे खाना ही खाने जाना है जो कि अभी थोड़े देर में जाएंगे लोग और नीचे खाना पीना खा के आएंगे। आज वैसे तैयारी है तो आज वैसे अच्छा लगेगा और तैयारी रहता है तो अच्छा ही लगता है और सही पकड़े हैं। और मौसम भी ठीक है, मौसम भी मतलब धूप हुआ है, उतना ज़्यादा गर्मी नहीं है तो ये अच्छा लग रहा है, गर्मी रहता है तो थोड़ा दिक्कत देता है तो गर्मी नहीं है, ये बढ़िया बात है। और अभी चलते हैं खा पी के आते हैं फिर आप सभी से बात करते हैं। और आज थोड़ा मेरा चेहरा ज़्यादा देखना पड़ेगा क्योंकि आज मैं हॉस्टल में ही रहने वाला हूँ तो ऐसे ही ब्लॉग बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए आज के लिए मुझे माफ़ कर दो दोस्तों, बाकी चलते हैं अभी थोड़ी देर में नीचे। सो भाई लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग चल रहे हैं अब नीचे क्योंकि क्या कहते हैं कि खाना खाने चलना है और आज वैसे तहरी है तो चलना ही पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हल्का धूप है, खैर उससे हमको क्या लेना था, हमको हॉस्टल में रहना है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग थोड़ा लंच भी ले लिए हैं क्योंकि ऊपर जाके खा लेंगे थोड़ा, और यहाँ पे आज का यही खाना है हम लोग का तहरी। सो भाई लोग फाइनली हम लोग खाना पीना खा के आ चुके हैं, बाकी आज तो हम लोग का तहरी था तो थोड़ा लेते भी आए कि अगर भूख लग जाएगा दिन में तो खा लेंगे क्योंकि जाना नहीं है कहीं बाहर, तो और शाम को नाश्ता भी अब लेट से मिलता है तो भूख लग जाता है, इसीलिए लेते हैं कि खाते पीते रहेंगे कुछ तो अच्छा रहेगा। बाकी अब आ चुके हैं रूम पे, अब आराम करते हैं थोड़ा क्योंकि वैसे भी कोई काम है नहीं, वीडियो पहले ही एडिट कर लिए हैं, सब चीज़ हो चुका है, थंबनेल वगैरह भी बन चुका है तो अब थोड़ा देर आराम ही कर लेते हैं। वैसे भी आज का दिन काफ़ी बोरिंग चल रहा है, मतलब कि एकदम क्या है। देखिए सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं, कोची में है, डिप्रेशन में सर, यही बताएं आज का दिन काफ़ी बोरिंग सा है। और ठीक है हम लोग आराम वगैरह करते हैं और यहाँ पे सब चीज़ बढ़िया है, ऑल गुड। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अपना बॉयज़ हॉस्टल बन रहा है जिसमें कि हम लोग कुछ दिन में शिफ्ट होंगे, देखो कौन से फ्लोर पे मिलता है। यहाँ पे ये भी बन रहा है, फोर्थ फ्लोर बन रहा है, मतलब तीन फ्लोर बन चुका है अब चौथा बन रहा है। तो क्या नाचोगे?
और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइट लग चुका है। पहले तो ये वाला तो ठीक था ही, अब ये भी लग चुका है, जो खराब था ये भी लग चुका है, क्योंकि काफ़ी अच्छी बात है, ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे भी लाइट लग गया। ये काफ़ी ही खराब लगता था कि एक ही लाइट है एक नहीं है। खैर जितने दिन है ये लग गया तो अच्छी बात है, अब उसमें जाएंगे कब जाएंगे ये नहीं पता। One hour later. गाइज यहाँ पे देख सकते हो अब हम लोग चल रहे हैं शाम का नाश्ता करने, जो कि आज है भेलपूरी, वो करने जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो मौसम अच्छा हुआ है, आजकल अच्छा हो रहा है, पता नहीं कैसे लेकिन हो रहा है अच्छा। और अब हम लोग आ चुके हैं नाश्ता वगैरह करने के करके, क्योंकि बस भेलपूरी था तो क्या ही ज़्यादा करते उसमें। और आ चुके हैं ऊपर अब, और फिर से हम लोग वापस चल रहे हैं क्योंकि अब थोड़ा काम पड़ गया, तो इसे चल रहे हैं और थोड़ा बाहर भी घूमने चल रहे हैं। दिन भर हॉस्टल में पड़े पड़े बोर हो चुके हैं, तो अब थोड़ा बाहर भी चल चलें जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे। और यहाँ पे देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं बाहर, और यहाँ पे ये शाम के समय इतना गाय यहाँ पे क्यों खड़ी हो जाती है मुझे ये नहीं समझ में आता है भाई, दिन में तो बच्चे ही पढ़ते हैं, शाम के समय ये सब कहाँ से आ जाते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं अपना राम स्वरूप, और ये बिना बारिश हुए इतना पानी लगा हुआ है दोस्तों, मतलब बारिश हुआ नहीं है, हल्का बहुत हुआ होगा तो उससे इतना पानी लगा हुआ है। अभी समझ ही सकते हो बाढ़ वगैरह आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ का कुछ कर नहीं सकते। बाकी यहाँ पे देख सकते हो अब हम लोग चल रहे हैं वापस हॉस्टल क्योंकि ब्लॉग अपलोड करना है। 2 hours later. गाइस यहाँ पे न्यू ब्लॉग आ चुका है, जाओ उसे लाइक करो सब्सक्राइब करो देखो लोग, और लाइक। 2 hours later. सो दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं खाना खाने, और देखते हैं आज क्या होता है खाने में क्या नहीं। आज वैसे सैटरडे है तो आज मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा होगा, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और चलो मौसम भी अच्छा है तो बाहर भी थोड़ा घूम लेंगे, और अभी नहा लिए तो ज्यादा गर्मी भी नहीं लग रहा है, आराम लग रहा है, और चलो अब चलते हैं। A few moments later. और गाइस यहाँ पे देख सकते हो यही है हम लोग का आज का खाना, थोड़ा ही सा है ज्यादा नहीं है। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो हम लोग चल रहे हैं कैंटीन की तरफ, यानी BBC की तरफ, क्योंकि देख सकते हो काफी अच्छा हवा बह रहा है इस समय, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, थोड़ा देर आराम करेंगे विश्राम करेंगे वहाँ पे, क्योंकि रूम में तो हवा लगता नहीं इसीलिए यहाँ पे, और बड़ी मुश्किल से कैंटीन यहाँ पे हवा चल रहा है, तो इसलिए चल के बैठा जाए। और यहाँ पे देखते हैं ये कैंटीन के अंदर का है भाई लोग, पूरे यूनिवर्सिटी का लाइट कट हुआ है, तो ये मत समझना मैं कहीं अंधेरे में बना रहा हूँ, ये कैंटीन का है, लाइट कट चुका है भाई वहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो SRMU का आर टूट चुका है। ये कैसे हो गया पता नहीं कैसे हुआ, जब लाइट कटा हुआ था तभी हुआ होगा शायद से, मुझे नहीं पता, मैंने तब ध्यान दिया तो भाई आर कट चुका है। बाकी अब चलो वापस हॉस्टल। भाई लोग फाइनली हम लोग रूम पे आ चुके हैं, और काफी मुश्किल हुआ आने में क्योंकि इतना अच्छा हवा बह रहा था कि मन ही नहीं कर रहा था आने को। पहले BBC पे हम लोग रुके, फिर BBC से आके हॉस्टल के नीचे रुके 10 मिनट, फिर हॉस्टल में आके फर्स्ट फ्लोर पे रुके। इतना अच्छा हवा आज बह रहा है कि क्या ही बताए, मतलब कि सच में अच्छा लगा भाई एकदम। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। BBC पे एकदम ऐसा लग रहा था कि कहाँ बैठ गए, AC कूलर में बैठ गए, कभी BBC पे एकदम बैठते थे पसीने पसीने हो जाते थे, आज काफ़ी अच्छा लगा। बाकी ठीक है गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और हाँ दोस्तों एक बात और था, एकेडमिक कैलेंडर इस बार का काफ़ी खतरनाक है, मतलब इस बार छुट्टी बहुत कम दिया गया है। रक्षाबंधन 19 को रक्षाबंधन है, 20 को IT है, फिर छठ का छुट्टी नहीं दिया गया, जो कि छठ इतना बड़ा त्यौहार है उसका छुट्टी नहीं दिया गया, पता नहीं ऐसा क्यों है। और अगर यही सेम एकेडमिक कैलेंडर अगर जूनियर्स का भी होता है तब तो काफ़ी दिक्कत होगा भाई, उन लोगों का मुश्किल से नवंबर में से सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा जब तुम लोग का। वैसे मैं हमें तो नहीं लगता है कि सेम वो होगा, एकेडमिक कैलेंडर चेंज होगा क्योंकि तुम लोग का क्लासेस शुरू होगा तुरंत, IT का डेट है, तो देखो क्या होता है क्या नहीं। मेरे हिसाब से तो यही होता है कि चेंज होगा, क्योंकि एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से तो अभी तुम लोग का 8 को ओरिएंटेशन है और 20 को IT है पहला, तो उस हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा टाइम तो मिलना ही चाहिए, हम लोग को तो मिला ही था। बाकी पिछले ईयर तो ऐसा नहीं हुआ था, जिस टाइम पे सीनियर का सेमेस्टर एग्जाम हुआ था उसी टाइम पे हुआ था, तो मैं कुछ नहीं बता सकता कि कैसा क्या होगा क्या नहीं। बाकी अगर सेम एकेडमिक कैलेंडर होने वाला है तो भाई लोग बहुत खतरनाक होगा तुम लोग का सेमेस्टर, और बहुत छोटा होने वाला है, क्योंकि अगस्त आधा अगस्त तो इसी सब में निकल जाएगा ओरिएंटेशन वगैरह में, अगस्त मान के चलो सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीना भी नहीं है ढंग से भाई। बाकी देख लेना भाई तुम लोग का क्या होगा क्या नहीं, मेरा तो सेट नहीं, मेरा मतलब एकेडमिक कैलेंडर है उसी हिसाब से होगा हम लोग का। बाकी ठीक है गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब एंड वॉच माई ब्लॉग्स डेली बाई डेली।